फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जून। और आज हम एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 15 में कॉर्ड कैम्बियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टीम के गर्थ को इंक्रीज करेगा और वास्कुलर कैम्बियम की वजह से इंक्रीज स्टीम जो है वो गर्थ में इंक्रीज करेगा। आउटर एपिडर्मिस टूटेगा, फिर जरूरत होगी कोई दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर उस प्लेस को, टूटे हुए प्लेस को रिप्लेस करे। कुछ देर या तुरंत बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू कॉर्ड कैम्बियम और फैलोजेन कॉर्टेक्स रीजन पे डेवलप होगा। फैलोजेन क्या है? लेयर का जोड़ा है और ठीक है। फैलोजेन दोनों साइड से सेल को कट कर करता है। आउटर सेल डेवलप करके कॉर्क और फैलोजेन बनाता है और इनर सेल डेवलप करके सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म बनाता है। फैलम और फैलोडर्म एक साथ तीनों टर्म को पेरीडर्म कहेंगे। वार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है। सारा टिश्यू, ऑल टिश्यू जो वास्कुलर कैम्बियम के बाहर होगा उसे हम वार्क कहेंगे। सीजन के स्टार्टिंग में, सीजन जब स्टार्ट होने लगता है तो ईयरली या सॉफ्ट वार्क फॉर्म करता है और सीजन के लास्ट में हार्ड वार्क फॉर्म करता है। लेंटिसेल क्या है? लेंस शेप्ड एपिडर्मिस का पैरेन्काइमेटस सेल है। और लेंटिसेल का काम क्या है? गैक्सियस एक्सचेंज को लेंटिसेल परमिट करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको एनसीईआरटी के टिपिकल लैंग्वेज को भी इजी से इजी वे में बता सकूं। और फ्रेंड्स, मैं हिंदी का यूज ज्यादा करूंगा क्योंकि ज्यादातर इंडियन बच्चे हिंदी को ज्यादा समझ पाते हैं और जिसके साथ इंग्लिश समझने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये वीडियो और भी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो की हर जानकारी आपको मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।